नेपाल में आज से कमल राज, चीन समर्थक माओवादी नेता पुष्प कमल दहल तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 3:45 पर होगा शपथ ग्रहण। टीवी एक्ट्रेस सुनीशा की मौत मामले में आरोपी शिजान से पुलिस की पूछताछ जारी। अब तक 14 लोगों के बयान दर्ज। विश्व हिंदू परिषद और शिंदे सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने मौत को लव जिहाद से जोड़ा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से बातचीत करने वाले लोगों से इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रहा है पूछताछ। बीजेपी ने बताया आरोपों को बेबुनियाद। दोपहर 12:30 दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। बाल कीर्तन मंडली के शब्द कीर्तन में भी शिरकत करेंगे।